झंडूता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोसरिया में जनमंच का आयोजन किया गया, जिसमें खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने विशेष रूप से शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनमंच कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। सरकार और जनता के बीच की दूरी को दूर करना जनमंच बेहतर माध्यम है। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि जनमंच के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश व्यवहारिक तौर पर व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, जिसका श्रेय प्रदेश की वर्तमान सरकार को जाता है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि सरकार की योजनाओं का लाभ उठाए, वहीं विभागीय अधिकारियों का भी सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सरकार बेरोजगारी को खत्म करने को लेकर भी बेहतर कदम उठा रही है। सर अभी जब आप आए थे नहीं सर, मैंने साल डेढ़ साल पहले भी दी थी एप्लीकेशन। हाँ जी हाँ जी। और सर मकान के अंदर पानी चला जाता है बरसात का। हाँ बिल्कुल देख लिया सर, पुरानी वेस्ट कास्टिंग में बोल दिया। हाँ जी सर, थैंक यू सर। इसमें कुछ काम हमने पीछे करवाया, मेरे साथ मैंने इसमें डिपॉजिट दिया था बीएसपी से। अब भी इसका जो है टेंडर काल हुआ, पीछे टेंडर इसका जो आवार था सुदर्शन ठेकेदार है, उसने काम नहीं करा, उसका रिसाइन कर दिया वो वर्क, और टेंडर वर्किंग प्रोसेस है ठीक है। पीछे कंक्रीट पेमेंट का काम कराया जो ज़्यादा खराब हो चुका था, ठीक है। आपको सभी के लिए रखें कि वेरिफिकेशन कर लीजिए, और उसके बाद जैसे पैसा आता है प्राथमिकता ठीक है। जयराम ठाकुर जी ने ये कहावत जो है वो चरितार्थ की है। मैं इस मन से उनको, प्रदेश की जनता को आसान तरीके से उनकी समस्याओं को हल करने के लिए जो कदम उठाया गया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। मित्रों, जनमंच का यही उद्देश्य है कि जनता और सरकार के बीच में जो दूरी है वो खत्म हो, और जनता को ये महसूस हो सके कि ये जो सरकार उनके द्वारा बनाई गई है, उनके द्वारा चुनी गई है, वो सरकार उनकी अपनी सरकार है, ये महसूस हो सके। और उसके लिए बहुत बड़ा जो कार्यक्रम एक जनमंच के नाम से हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू हुआ है, इस जनमंच के कार्यक्रम से आज लोगों को, प्रदेश की जनता को अपनी बात सरकार के समक्ष, प्रशासन के समक्ष रखने का एक सुनहरा अवसर जो है वो प्राप्त हुआ है। और जब से जनमंच कार्यक्रम शुरू हुए हैं और इसकी लोकप्रियता जो है जनता के बीच में इतनी बढ़ गई कि लोगों में कोई भी समस्या है उसको जनमंच पे लाकर जनमंच में उठाकर उसको उसी समय जो है हल करवाना, इन लोगों में बहुत उत्सुकता बन गई। देश के अंदर एक एक व्यक्ति की चिंता करना, एक एक परिवार की चिंता करना, एक एक पीड़ित व्यक्ति की चिंता करना, ये काम अगर किसी ने किया है तो श्री जयराम ठाकुर जी ने किया है। व्यवस्था परिवर्तन की जो मैं बात आप सबके सामने कह रहा हूं, वो केवल मैं भाषण के लिए नहीं कह रहा हूं,
ये व्यवहारिक रूप से आज हमारे प्रदेश में हो रहा है। अगर आप महसूस करें, आज हिमाचल प्रदेश के किसी भी कार्यक्रम में, कैसा भी राजनीतिक कार्यक्रम हो, आज किसी भी व्यक्ति के पास पेंशन का फॉर्म आपको नहीं मिलेगा कि हमारी पेंशन लगवा दो। और इसके पूर्व क्या होता था, हर राजनीतिक कार्यक्रम में लोगों के हाथ में पेंशन के फॉर्म होते थे, बुजुर्गों के हाथ में पेंशन के फॉर्म होते थे और वो गुहार लगाते थे कि हमें पेंशन लगवा दीजिए, पेंशन लगवा दीजिए। लेकिन व्यवस्था नहीं थी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने प्रदेश के अंदर ये व्यवस्था खड़ी की और आज किसी भी व्यक्ति को पेंशन के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता है, कहीं नहीं भटकना पड़ता है। आज घर बैठे जो पात्र व्यक्ति हैं उनको प्रदेश सरकार द्वारा जो पेंशन लगवाई जा रही है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अनिल पटियाल की रिपोर्ट।